आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, राहों में कांटी अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, गर्मोत का डर सताए तुझे सलीब पर तू गौर कर, गर्मोत का डर सताए तुझे सली पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं और हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर तू महान है, जीवित है, सामर्थ्य है, बेयोग्य परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बल चंगा रखा, स्वस्थ रखा, इस बात के लिए परमेश्वर हम पूरा पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को देते पिता परमेश्वर, हानि नुकसान से बचाया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन परमेश्वर पिता तूने हमें जीवित रखा, इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको बचाया, प्रेज द लॉर्ड, उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको एक नया दिन देखने के लिए मौका दिया, प्रेज द लॉर्ड, उस खुदा का, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको एक नई जिंदगी दी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके जय जयकार करते हैं, मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, राबा नाला रा दबा रिखा नाला रा रा थी नाला रा दबा, परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रियो परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको दासत्व के घर से निकाल कर हमें स्वतंत्र कर दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हमें उसने आजाद कर दिया है, उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें, उस जीवित पिता का धन्यवाद करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको छंगाई और छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हमारे अधर्म और हमारी बीमारियां खत्म हो गई, प्रेज द लॉर्ड,
प्रज्वलट उसके कोड़े खाने से हम लोग छंगे हो गए मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें, उस जीवित यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने अपने ऊपर कोड़े खाए और हमें छंगाइयां दी। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा मेरे प्रियो? ऐसा यीशु मसीह प्रभु कहां मिलेगा जिसने अपने ऊपर कोड़े खाए और उस कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमारे अधर्म क्षमा हो गए, हमारे पाप और अपराध और हमारी बीमारियां खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड, ऐसे यीशु मसीह को धन्यवाद करें, हृदय से, दिल से, गहराइयों से उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो। उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को छंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे छंगाई दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे अभिषेक करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को ठीक कर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता आपको छंगाई देगा, परमेश्वर पिता आपके जीवन से सब प्रकार की बीमारियों को खात्मा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा और वो आपको चंगाई और छुटकारा देगा, क्योंकि वही चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, उस खुदा का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें जिसने आपको चंगाई दी है, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिस यीशु मसीह ने कोड़े खाकर, मार खाकर आपके और मेरे सारे धर्मों को और सब प्रकार के रोगों को दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके एक एक उपकार को याद करें, उसके एक एक भलाइयों को याद करें, हम उसके किसी भी उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे प्रियो? जिसने मुझे और आपको चंगाई दी है उस परमेश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं? उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदा, आपने हमें चंगाई दी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सभी प्रार्थना तो प्रभु, हर एक जन को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक जन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, हर एक जन को पवित्र आत्मा के आग से भर दे परमेश्वर, ताकि सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार का अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, वो चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, उसके नाम की जय जयकार कीजिए। अपने जीवन की शुरुआत करने से पहले, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपका इलाज करके आपके घाव को ठीक करेगा, आपको छंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। प्रभु के कदमों में आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के नजदीक में आइए, उसके सम्मुख आइए, क्योंकि उसके सम्मुख आनंद की भरपूरी, जहां यीशु मसीह है, जहां यीशु मसीह है वहां आनंद की भरपूरी है, जहां यीशु मसीह है वहां बीमारी रह नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, जहां दुख रह नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास आइए और चंगाई और छुटकारा प्राप्त कीजिए, अभिषेक प्राप्त कीजिए, पवित्र आत्मा प्राप्त कीजिए, दान वरदान प्राप्त कीजिए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद कर, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और उसके नाम की जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में तकलीफ में है, बीमारी की हालत में है, मुसीबतों में है, उन्हें तो छुटकारा दे, आजाद कर दे, चंगाई दीजिए, अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और तेरे वचन के अनुसार तू उनका इलाज कर परमेश्वर, क्योंकि तू वैद्यों का वैद्य है और डॉक्टरों का डॉक्टर है। तेरे हाथों के द्वारा उनका ऑपरेशन कीजिए, तेरे हाथों के द्वारा उनका इलाज कीजिए, और परमेश्वर पिता तेरा इलाज परफेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड, तेरी मेडिसिन परफेक्ट है,
यीशु मसीह के नाम से हर एक जन चंगाई और छुटकारा प्राप्त करे, हर एक जन तेरी सामर्थ्य को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा का मेडिसिन प्राप्त करे यीशु के नाम से। प्रभु तू दया कर, रहम कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। जितने भी हॉस्पिटल में है प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। जितने भी पिता परमेश्वर एचआईवी से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, बवासीर से पीड़ित थे, मिर्गी से पीड़ित थे, शुगर से पीड़ित थे, प्रभु यीशु के नाम से अपना छिदा हुआ और अपना बलवंत और सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु तू दया कर खुदा, मेरे प्रिय प्रभु के चरणों में आइए। आप जितने भी हॉस्पिटल में हैं, आप जितने भी कई सालों से जो बेड पर हैं, प्रभु के पास आइए। प्रभु यूं ही आपको इलाज करके छुटकारा देगा, प्रभु जी लॉर्ड, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का महान डॉक्टर है। हालेलुया, उसका इलाज परफेक्ट है, उसकी पवित्र आत्मा का जो मेडिसिन है वो परफेक्ट है। उसको प्राप्त कीजिए और चंगाई और छुटकारा प्राप्त कीजिए, प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर तूने चंगाई दी, छुटकारा दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी बेरोजगार हैं उनका छुटकारा कर्ज से होने पाए, उनके सब प्रकार की बेरोजगारी, सब प्रकार का बोझ खत्म हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उन्हें तो छुटकारा दे, सब प्रकार के कर्ज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सब प्रकार की बेरोजगारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप रहम करें, और परमेश्वर पिता उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर खुदा। प्रेज द लॉर्ड, खमरा सिखा न लरबा राबा दा 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 न लरबा लरदबा। प्रभु तू दया कर और छुटकारा होने पाए, उनका बोझ खत्म हो जाए, उनका सब प्रकार का बोझ खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर अब्बा, हाँ पिता तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर कई लोगों का एग्जाम्स, कई लोगों का इंटरव्यू है, उनका तू सहायता कर, तू उनकी मदद कर, और सब प्रकार की बेरोजगारी उनके जीवन से, सब प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दया कर, दया कर, जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु उनकी तू सुधी ले, उनकी तू सहायता कर, उनकी तू मदद कर। अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू है, अनाथ और विधवाओं का रक्षक तू है, अनाथ और विधवाओं का छुटकारा देने और चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है। उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। हाँ रब्बा, हाँ पिता तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, हम सब मिलकर उसके सम्मुख आए, क्योंकि यीशु मसीह है वहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ चंगाई और छुटकारा है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, सामर्थ है, अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। और जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, चंगाई और छुटकारा प्राप्त होता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, उसके नाम की जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद खुदा तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद पिता तूने चंगाई दी है। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों में अंधकार की शक्तियां, जादू टोने, भूत प्रेत की शक्तियां, जो जादू टोने से पीड़ित थे प्रभु यीशु के नाम से, उनके शरीर में से सब प्रकार के जादू टोने, उनके शरीर में सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, बस यीशु के नाम से उनसे छुटकारा दे खुदा। यीशु के नाम से सब प्रकार के जादू टोने, काला जादू यीशु के नाम से खत्म हो जाए, डाकन का जादू, भूत प्रेत की शक्तियां सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तो छुटकारा दे खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में क्लेश है, संकट है, मुसीबतें हैं। पिता परमेश्वर उन परिवारों में से सब प्रकार के क्लेश और संकट और मुसीबतें खत्म हो जाए, उन्हें छुटकारा दे, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे प्रभु। दया कर,
पूरा घराना बचा लिया जाए, यीशु के नाम से बचा लिया जाए। धन्यवाद दीश, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार, पाप और अपराध की दुनिया में है। परमेश्वर उन्हें नर्क की आंख से बचा ले, उनका छुटकारा होने पाए, शैतान की शक्तियों से छुटकारा, सब प्रकार के पाप और अपराध करवाने वाली शैतान की शक्तियों से छुटकारा, ड्रिंक करवाने वाली शैतान की शक्तियों से छुटकारा। प्रभु तू दया कर, रहम कर, और परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में ये जवान तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए, ये जवान तेरे राज्य में बढ़ोतरी करने पाए, कई आत्माओं का बचाने वाले बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवनों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु आप दया करें, रहम करें, और उनके द्वारा कई लोग उद्धार पाने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। जितने भी नहीं जानते प्रभु, वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए, कोई भी मरकर नरक में ना जाए। खुदा तू बचा ले प्रभु, धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन बहनों के पास कोई औलाद नहीं है, दया कर परमेश्वर, उनके कोख को खोल दे प्रभु। जिन बहनों के अंदर गठान है, ट्यूब ब्लॉक है, नसें बंद है, वो सब खुल जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरा आदृश्य और तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छूकर छंगाई दीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को ठीक कर दूंगा। प्रभु सब प्रकार की गुप्त रोग खत्म हो जाए, और आने वाले दिनों में उनके वंश उत्पन्न होने पाए, वंश उत्पन्न होने पाए, वंश उत्पन्न होने पाए। छंगाई दे, छुटकारा दे खुदा, यीशु के नाम से धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो अलग अलग है। प्रभु दया कर, दया कर, और एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे का आदर करने वाले बने, और मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, उनके सही समय पर विवाह होने पाए, सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें सब खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। बेसहारों का सहारा तू है प्रभु, जो गरीबी के हालत में है प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु। जितने भी बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से उनका विस्तार होने पाए परमेश्वर, आशीषित कीजिए। जितने भी प्रिय भाई बहन सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिन बहनों की सैलरी रुकी हुई है, जिन भाइयों की सैलरी रुकी हुई है, प्रभु यीशु के नाम से उनकी सैलरी, उनका पेमेंट, उनका मजदूरी मिलने पाए यीशु के नाम में। उनके बॉस, उनके अधिकारियों के जीवन को बदल दे प्रभु, दया कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी घर बनाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनकी तू सहायता कर, मदद कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उनको तू छुड़ा ले, बचा ले, उनकी तू मदद कर खुदा, उनकी तू सहायता कर खुदा। सब प्रकार की केस जो है परमेश्वर वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रॉपर्टी को लेकर केसेस चल रहे हैं प्रभु, या जितने भी पति पत्नी को लेकर केसेस चल रहे हैं प्रभु, सब प्रकार के केस खत्म हो जाए प्रभु, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। तेरे दास और दासियों को आशीषित कीजिए प्रभु, तेरे दास और दासियों को हिम्मत दे, हिया दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और तेरे वचन को लेकर खड़े रहे प्रभु। तेरा वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके परमेश्वर, ऐसी सामर्थ्य दे खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो आपका इलाज करके आपके घाव को चंगा करेगा, और चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से होगा। प्रज लॉर्ड, धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राणात्मा को हम तेरे ही हाथों में देते परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। सचमुच में वो चंगाई और छुटकारा देने वाला खुदा है, उसके पीछे चलिए, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताइए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको छुटकारा और चंगाई देगा। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।